वेलकम टू स्टडी जोन। आज है 14 अगस्त 2018 और इस वीडियो में मैं आपसे 14 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखें और वीडियो की PDF फाइल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और लास्ट में मैं आपसे कल के करंट अफेयर के क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। आपका पहला क्वेश्चन है, सड़क सुरक्षा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसमें आंसर आएगा, इसका ब्रांड एम्बेसडर बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को बनाया गया है। और वहीं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BBC हिस्ट्री मैगजीन द्वारा जारी टॉप 100 इतिहास रचने वाली महिलाओं की सूची में किसे पहला स्थान मिला है? कल के करंट अफेयर के क्वेश्चन में मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसका आंसर मैंने गलती से मैरी कॉम बता दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मैरी क्यूरी। और मैरी क्यूरी 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली वैज्ञानिक है। इन्हें विज्ञान की 2 शाखाओं फिजिक्स और केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। सबसे पहले इन्हें 1903 में फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी को समझने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था और उसके बाद 1911 में दूसरी बार रेडियम और पोलिनियम की खोज करने के लिए केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BBC हिस्ट्री मैगजीन द्वारा जारी टॉप 100 इतिहास रचने वाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिला शामिल है? तो इसमें आंसर आएगा, 4 भारतीय महिला शामिल है। और इनमें सबसे पहले आती है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को 20वां स्थान मिला है और ये 1948 में कलकत्ता में आई थी। इन्होंने 1950 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी संस्था का गठन किया था। नेक्स्ट आता है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को 49वां स्थान मिला है और ये देश की पहली और इकलौती महिला प्रधानमंत्री है। और नेक्स्ट सरोजिनी नायडू को 77वां स्थान मिला है और इन्हें भारत की सौर कोकिला भी कहा जाता है। और सरोजिनी नायडू किसी प्रदेश की राज्यपाल बनने वाली पहली भारतीय महिला थी और ये उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनी थी। नेक्स्ट आता है अमृता प्रीतम। इनको 100वां स्थान मिला है और ये पंजाबी और हिंदी भाषा की लेखिका और कवियत्री है। नेक्स्ट बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की। नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है और अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है कि डायनामाइट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो आपका आंसर होगा अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। और अल्फ्रेड नोबेल ने दिसंबर 1896 में अपनी मृत्यु से पूर्व अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने एक ट्रस्ट के लिए सुरक्षित रख दिया और उनकी इच्छा थी कि इस पैसे के ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनका काम मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी पाया जाए। स्वीडिश बैंक में जमा इस राशि के ब्याज से नोबेल फाउंडेशन द्वारा हर वर्ष शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र में सर्वोच्च योगदान देने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। और नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 में की गई थी और इसका उद्देश्य नोबेल पुरस्कारों का आर्थिक रूप से संचालन करना है। और वहीं पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था। और अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था और रविंद्रनाथ टैगोर को यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 अगस्त 2018 को पूर्व लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी का निधन हो गया, वे कौन से लोकसभा के स्पीकर चुने गए थे? तो इसमें आंसर आएगा 14वीं लोकसभा के। और सोमनाथ चटर्जी का जन्म 25 जुलाई 1929 को असम में हुआ था। और सोमनाथ चटर्जी 2004 से 2009 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में लोकसभा स्पीकर है सुमित्रा महाजन। और सुमित्रा महाजन मीना कुमारी के बाद लोकसभा के अध्यक्ष रहने वाली दूसरी महिला है। तो अगर आपका क्वेश्चन आए कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन रही है, तो आपका आंसर होगा मीना कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजर्स कप 2018 के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो इसमें आंसर आएगा, स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने। और राफेल नडाल ने यह खिताब 4थी बार अपने नाम किया है और उनका यह टोटल 80वां खिताब था। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है रोजर्स कप से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजर्स कप 2018 के महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो इसमें आंसर आएगा, रोमानिया की सिमोना हालेप ने। और उन्होंने अमेरिका की
स्लोएन स्टीफंस को हराकर यह खिताब जीता है, और सिमोना हालेप का यह दूसरा रोजर्स कप था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत अपीलीय ट्रिब्यूनल की नई अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसमें आंसर आएगा मंजुला चेलूर को। और इससे पहले मंजुला चेलूर बॉम्बे हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश थी, और मंजुला चेलूर का जन्म 5 दिसंबर 1955 को भारत के कर्नाटक राज्य में हुआ था, और मंजुला चेलूर कलकत्ता उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। इसमें आपका नेक्स्ट ऑप्शन है गीता मित्तल। गीता मित्तल जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की पहली महिला जज बनी है। ये भी आपका करंट अफेयर का टॉपिक है, ये भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट ऑप्शन है इंदु मल्होत्रा और इंदिरा बनर्जी। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार 3 महिला न्यायाधीश बनी है, इनमें आपका इंदु मल्होत्रा और इंदिरा बनर्जी शामिल है, और तीसरी महिला न्यायाधीश है आर भानुमति। आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने अपने स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले कितने भारतीय कैदियों को जेल से रिहा किया है? तो इसमें आंसर आएगा पाकिस्तान ने 27 मछुआरा समेत टोटल 30 भारतीय कैदियों को जेल से रिहा किया है, और रिहाई के बाद सभी भारतीय पंजाब के अटारनी वाघा बॉर्डर पर पहुंचे हैं। वहीं पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है, और भारत में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने नौसेना के लिए देश में ही बने कितने अत्याधुनिक गश्ती जहाज खरीदने का निर्णय लिया है? तो इसमें आंसर आएगा 6 गश्ती जहाज। और फिलहाल देश की रक्षा मंत्री है श्रीमती निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रेलवे स्टेशन स्वच्छता पर तीसरे पक्ष की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन से कथन सत्य है? आपका पहला पॉइंट है एवं श्रेणी के स्टेशनों की सूची में उत्तर पश्चिम रेलवे का जोधपुर स्टेशन प्रथम आया है। नेक्स्ट है ए श्रेणी के स्टेशनों में उत्तर पश्चिम रेलवे के मारवाड़ स्टेशन को पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट है स्टेशन स्वच्छता पर सिकंदरा रेलवे स्टेशन में उत्तर पश्चिम रेलवे को पहला स्थान मिला है। आपके तीनों पॉइंट ठीक है, तो आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी सही है। और प्रेजेंट में रेल कोयला वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री हैं श्री पीयूष गोयल, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 की औपचारिक शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो इसमें आंसर आएगा ऑप्शन सी हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। इसमें देश के सभी कस्बों और शहरों को शामिल किया जाएगा। यह सर्वेक्षण अगले वर्ष 4 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक किया जाएगा, और हरदीप सिंह पुरी फिलहाल केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2018 में भारत की रैंक क्या रही? तो इसमें आंसर आएगा इस इंडेक्स में भारत की रैंक रही 57, और यह इंडेक्स एनर्जिंग द वर्ल्ड इन इनोवेशन के विषय पर आधारित था। वहीं इस इंडेक्स में पहली रैंक मिली स्विट्जरलैंड कंट्री को, सेकंड नीदरलैंड, और थर्ड रैंक मिली स्वीडन कंट्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसैनिक जहाज INS सह्याद्री 13 से 16 अगस्त 2018 तक किस देश की यात्रा पर है? तो इसमें आंसर आएगा फिजी देश की यात्रा पर है, और फिजी देश की राजधानी है सुवा। फिजी के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए भारतीय नौसेना का जहाज INS सह्याद्री सद्भावना यात्रा पर सुवा बंदरगाह पर पहुंच गया है, और जहाज 15 अगस्त 2018 को सुवा बंदरगाह पर भारत का 71वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस या इंटरनेशनल यूथ डे पूरे वर्ल्ड में 12 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया था? तो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त 2000 में मनाया गया था, यानी इसकी शुरुआत 12 अगस्त 2000 से की गई थी। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस यानी भारत का राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। दोनों में डेट सेम है, लेकिन एक में 12 जनवरी है और दूसरे में 12 अगस्त, आपको दोनों याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 अगस्त 2018 को सर V.S. नोयपाल का निधन हो गया, उनको किस पुस्तक के लिए 2001 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इसमें आंसर आएगा उनको हाफ ए लाइफ पुस्तक के लिए 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। V.S. नोयपाल से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में 13 अगस्त वाली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए आप उस वीडियो को भी जरूर देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसराइल ने किस शहर में एक नया वीजा केंद्र खोला है? इसराइल जाने के लिए अधिक भारतीय यात्रियों को प्रोत्साहित करने के लिए इसराइल ने कोलकाता में एक वीजा आवेदन केंद्र खोला है, और वीजा केंद्र पश्चिम बंगाल और सात पूर्वोत्तर राज्यों को कवर करेगा, और ये सात पूर्वोत्तर राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल नॉर्थ ईस्ट के लिए विजन डॉक्यूमेंट का उद्देश्य है किस साल तक डिजिटल नॉर्थ ईस्ट हासिल करना है? तो इसमें आंसर आएगा 2022 तक, और इसका उद्देश्य है सरकारी कर्मियों की क्षमता बढ़ाकर और क्षेत्र में बीपीओ यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की कार्यक्षमता दोगुनी करके लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है। और फिलहाल केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। क्विज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया है? आपके ऑप्शन है रेखा शर्मा, अनामिका शर्मा, अनुपम शर्मा और इनमें से कोई नहीं। क्विज के लिए आपका सेकंड क्वेश्चन है, केंद्रीय रेशम बोर्ड ने रेशम कीट के अंडों की नई प्रजाति को अधिसूचित किया है, इसका नाम क्या है? आपके ऑप्शन है BDR10, BDR1, BDR40 और BDR20, और इन क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग आवर वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और साथ ही आप हमारे चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस लिंक पर जाकर आप हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट पा सकते हैं।